जैसे कि सबको पता है कि ये हम IMF प्रोग्राम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो है हमें जो है अप्रूवल फॉर्मली नहीं दिया, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हम जुलाई के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में IMF प्रोग्राम में आ जाएंगे। IMF के प्रोग्राम में आने से पहले IMF के कुछ प्रायर शरायत थी, और वो प्रायर शरायत जो है उस पर हमने काफ़ी हद तक अमल भी कर लिया, जैसे शरह सूद बढ़ा दी, एक्सचेंज रेट को भी कर दिया और कीमतें भी ऊपर नीचे कर रहे हैं। जो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 11 जून को जो बजट आ रहा है उसमें जो है टैक्स, इस बजट में जो कहते हैं ये IMF का बजट है, और IMF ने गवर्नमेंट को कहा है कि कम अज़ कम आप जो है टैक्स को 12-13% GDP पे ले जाएं, लेकिन वो जो है 5,550 अरब का आधा है। याद रखा जाए कि इस साल जो है हुकूमत जिसे कहते हैं कि ऊपर नीचे करके जो है 4,000 अरब करेगी, यानी कि 15,550 अरब रुपये। 15,550 अरब का मतलब ये कि मुस्लिम लीग हुकूमत ने 1,700 अरब 5 साल में बढ़ाए थे, ये एक साल में 1,550 अरब रुपये बढ़ाने जा रहे हैं। आया ये मुमकिन है, ये एक हमारा सवाल होगा, और अगर ये मुमकिन है तो किस तरह मुमकिन है। तो इसमें मैं पहले ऋशान की तरफ जाऊँगा। ऋशान क्या कहते हैं भाई? भाई साहब ये मुमकिनात में से नहीं है। इसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि आपकी इकॉनमी बिल्कुल ऐसे ऐसे के नीचे जा रही है, आपकी ग्रोथ रेट बिल्कुल कम हुई हुई, रेवेन्यू कैसे जमा होता है? रेवेन्यू ऐसे जमा होता है कि जब इकॉनमी चल रही है तो बिजनेसेस ग्रो कर रहे होते हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, बिजनेस कमा रहे होते हैं, और कमाने के बाद फिर वो उसका दूसरा एस्पेक्ट ही वो टैक्स नेट में होगा। तो जब वो टैक्स नेट में होंगे यानी NTM पे रजिस्टर होंगे, रिटर्न फाइलर्स होंगे, तब वो टैक्स रेवेन्यू में आपका कुछ ना कुछ कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट है कि आपके मुल्क का 80% टैक्स कोई 500 कंपनियां देती हैं, और बाकी 20% टैक्स जो है 19,99,500 रुपये। ये एक मुल्क का आपका मिक्स है, डिलेमा कह लीजिए, अच्छा कह लीजिए, बुरा कह लीजिए, मैं डिलेमा समझता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप रेवेन्यू बढ़ाने की जब बात करते हैं तो ये हकीकत आपके सामने होनी चाहिए कि आपने 20% रुपए पर डिवैल्यू कर दिया, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% से बढ़ चुकी है मोर और लेस, फिर मेरा इन्फ्लेशन जो है वो 9-10% पर टच कर रहा है, तो मेरी 9% कॉस्ट और बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको मैं कह रहा हूँ, सेल प्राइस की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेल प्राइस जब मैं आऊँगा तो फिर ये हंगामी हालात क्रिएट हो जाएंगे कि अभी वो कमाने का घर ही मर जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस टाइप के डायनामिक्स देखते हैं इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल प्राइस, तीनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से कोई इतने हम अभी हाथी पाए तो है नहीं कि अपनी जेब को नुकसान दें और आवाम को फायदा दें, ये हमारे अंदर रूल नहीं है। तो जब तक ये इकोनॉमिक साइकिल नहीं चलेगी तो ये 1,550 अरब इज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, एंड आई एम श्योर कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जब तक आपने टैक्स लगाने, बड़ा आसान मैकेनिज्म है, मेरा अपना इसमें ये ओपिनियन है कि जैसे हम कहते हैं सिर्फ 20 लाख टैक्स में, हमारे मुल्क में 20 लाख नहीं 1 करोड़ से ऊपर टैक्स में। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंपनी 70 लोगों की थी जिसमें सबका हम टैक्स तनख्वाह से पहले काटते थे, 10 उसमें से रिटर्न फाइल कर रहे थे, 70 नहीं कर रहे थे, यानी 60 लोगों का भी टैक्स तनख्वाह से कट रहा था जी। मिथ यही है कि जी इतने लोग टैक्स दे रहे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है इसी तरीके से, मैं एक मीडिया चैनल में बैठा हुआ था, वहाँ 4,000 या 5,000 लोग, उसका एक हाईएस्ट लेवल का बंदा GM लेवल का, वो कहते हैं यार मेरे नॉन फाइलर में पैसे कट रहे हैं, मैं रिटर्न फाइल कर दूं क्या? तो ये आपका क्या ख्याल है कि फाइलर वाकई में 20 लाख है या इस मुल्क में ज्यादा है फाइलर? देखिए अगर हम ये कहें ना टैक्स पेयर्स हैं या नॉन टैक्स पेयर्स हैं, तो ये ज्यादा आसान रहेगा आपके जो आप सवाल कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स हम कहते हैं कि कितने लोग हैं, तो वो तो आपकी आधी जनता जो है वो टैक्स देती है इनडायरेक्टली, मिसाल के तौर आप बाय करते हैं, इवन जो अर्न नहीं भी कर रहा वो भी कुछ चीज लेने जाता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लेता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो कुछ चीज खरीदे जाता है, कोई खाने पीने की, उस पर भी टैक्स, पानी पे लेता है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए टैक्स पेयर्स तो आपके पास हैं, अब वो फाइलर कितने हैं, मतलब वो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हो या ना हो, वो कितने फाइलर हैं, वो अब ये करने अगर गवर्नमेंट जाती है तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा इसमें। जी 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 ये मार नहीं तो ये तो उसका बड़ा रीजन मेरा ख्याल है वो ये है कि एक तो इन्फोर्समेंट की कमी है,
इन्फोर्समेंट जब ज़्यादा होती है तो हैरेसमेंट हो जाती है हमारे यहाँ, और ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारी जो मेजोरिटी टैक्स कलेक्शन है 40% से ज़्यादा तो सिर्फ इम्पोर्ट पर है, तो वो तो ये तो साल आ चुके इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक तो इस साल नीचे गया 5% अभी तक 10 महीने भी नीचे, मई का कह रहे 15% नीचे, अगले साल भी गवर्नमेंट चाहेगी कि इम्पोर्ट नीचे हो, एग्जैक्टली जब इम्पोर्ट नीचे रहेगा तो टैक्स कलेक्शन तो प्रेशर में रहेगी, वो डिफरेंशियल कहां से पूरा करेंगे। दूसरा ये कि मेजॉरिटी की नेचर इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी की नेचर इनडायरेक्ट है, सेल्स टैक्स की इनडायरेक्ट ऊपर है, 70% इनडायरेक्ट है। आपको ये पता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेजर रॉ मटेरियल इम्पोर्ट है, एग्जैक्टली उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ते। 60% आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखें जो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है उसका भी एक फर्क ये भी है ना कि आपकी चेन पूरी वो इम्पोर्ट भी तो करती है ना, तो वो प्राइस पास ऑन नहीं करते हैं, प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस सेटर्स नहीं है, नंबर वन। अच्छा मैं दूसरा आता हूँ आपके टैक्स वाले सवाल पर। देखें एक तो जैसे इन्होंने बिल्कुल पहले एक पॉइंट आउट किया कि जो ग्रोथ है आपकी वो स्क्वीज हो गई है अभी, आप मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त नेगेटिव में, मुझे लगता है कि बेस की वजह से, लो बेस की वजह से आपका एक ग्रोथ का फैक्टर आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होगी अगले साल, थोड़ी सी भी आपने अगर थोड़ी एक ब्रीदिंग स्पेस दी तो ग्रोथ आ जाएगी थोड़ी सी, लेट्स से 1.5 से आपके उठ के 2-2.5% या 3% हो जाएगी मैक्स, 3% पे आप, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ हमारे जो है वो जो नाजरीन है उनके लिए, एक बिजनेस लास्ट ईयर चल रहा था लेट्स से 100 रुपये कमा रहा था, आज उसकी सेल्स ही 70 रुपये है, 30% वो पहले ही डाउन है, तो उस पर टैक्स आप ज्यादा कैसे कर सकते हैं। टैक्स जो है वो एक प्रोपोर्शन होता है ग्रोथ का, टैक्स एब्सोल्यूट टर्म में आप नहीं बढ़ा सकते जब तक आप ग्रोथ को ना बढ़ाएं, तो आपकी ग्रोथ अगर नीचे है, आपके इंपोर्ट्स नीचे हैं, आपकी ग्रोथ, अच्छा हमारे इशू ये भी हो रहा है कि लोकल सॉरी वो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो तो मेजोरिटी, अगर आप इंपोर्ट्स की बात करें वो तो अंडर सेक्शन 143 वो तो मिनिमम टैक्स फाइनल फुल एंड फाइनल रेजिम, हम तो उस तरह चल रहे हैं ना, आप कोई इनकम को टैक्स तो कर ही नहीं रहे। एक जनरल पब्लिक के लिए बात कर लेते हैं, आपसे भी सवाल है फिर मैं आपके पास फाइनल आऊंगा। इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी और ये टैक्स टारगेट अचीवेबल है कि नहीं, बहुत प्रिसाइजली और क्विकली। महंगाई आगे शायद ना बढ़े क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है, थोड़ी सी डिम रहेगी या स्टेबल हो जाएगी महंगाई। आज देखें अभी भी आपका 7.5% के टारगेट पे चल रही है महंगाई, तो एक महीना और है तो इस साल का भी टारगेट पूरा होगा। आउटलुक आपका ये जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से आपका ऑयल प्राइसेस नीचे रहेंगे, उसकी वजह से एक बड़ा पोर्शन है ना, एक तिहाई आपका जो है वो ऑयल कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो नीचे आएगा। दूसरी बात क्या है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए हम ना वेस्टेज पे बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की। हमने नलका खुला हुआ है पानी का, ऊपर से हम पानी भरते जाएंगे तो नीचे वो आपका जाया हो रहा है। आप 1.5 trillion rupees अगर आप कैलकुलेशन अभी कर लें कि पूरे बजट में से पूरा जो आउटले है उसमें से कितना पोर्शन सूबों में जा रहा है, कितना हम फेडरल में एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल रहे हैं और जो एक बड़ी गवर्नमेंट है उसको हम स्क्वीज नहीं कर रहे, उस पर कितना पैसा हम वेस्टेज पे डाल रहे हैं। वेस्टेज पे अगर काबू पा लेना 1 trillion rupees पे या 700-800 billion पे, तो आपका वैसे ही डेफिसिट वहाँ से कंट्रोल हो सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट आपके लो ग्रोथ की वजह से टैक्स टारगेट शायद पूरा ना हो, लेकिन स्टिल आपका वेस्टेज तो आप कम कर सकते हैं, आपका डेफिसिट वहाँ से कम से कम बेहतर हो सकता है। मेरा ख्याल है कि एक तो ये वेस्टेज की जो बात करें, दूसरा मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग है ना, मेरा ख्याल है उसने सारी चीजों को कैप्चर भी नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, एक्सपेंडिचर का हमारा अलग सेक्शन है, टैक्स पे बात कर लेते हैं। टैक्स पे ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो हमारा जो अभी नेचर है टैक्स का, इस वक्त जो कलेक्शन 4000 billion उस पर एक तो डिपेंडेंस इनडायरेक्ट और इम्पोर्ट इन दो पे ज्यादा है, तो अभी इन्हें इस वक्त अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है तो इस वक्त तो इनडायरेक्ट टैक्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उनको ये कहेंगे IMF को कि मैं 300 अरब जो है न्यू मेजर्स या एडमिन मेजर्स से टैक्स कलेक्ट करूंगा, उन्होंने ये बात माननी नहीं, क्योंकि बोलेंगे आपसे 71 years में तो आज तक कभी नहीं हुआ, ये आज आप कैसे कर लेंगे ये। अगर हम प्रोविंशियल टैक्सेस सही है तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये शायद आपको बढ़ाने तो इनडायरेक्ट ही पड़ेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट आपको इस दफा जो है वो शायद लोकल चीजों में बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर, शुगर, GST शायद 1% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ये सब, ताकि आपको, क्योंकि आपको तो 1550 पूरे करने ना, अब आप किसी को भी उस कुर्सी में बैठा दें उसने नंबर ही प्लस माइनस करके करना है और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको 25 जून को अप्रूवल चाहिए IMF की। भाई ये सूबों को आप कितने टैक्स लगाते हैं, अगर सिर्फ कराची जैसे दुनिया में लंदन है, टोक्यो है, दे कॉन्ट्रीब्यूट 60-70% ऑफ द टैक्सेस और वो म्यूनसिपल टैक्सेस भी लगाते हैं, इतना कुछ लगाते हैं, होर्डिंग्स बोर्ड ये वो अलग अलग किस्म नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सूबे कब, और फिर ये जो पंजाब है तो उसके पास बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर रेवेन्यू है, ये सूबे की अगर थोड़ी सी वफाक की मदद करते हैं तो क्या इसमें बुराई क्या है। सूबे वफाक की मदद तो नहीं करें, लेकिन ये सूबों के अपना टैक्सेशन का निज़ाम जरूर है, SRB शॉप टैक्स की बात कर रहे हैं, साइन बोर्ड टैक्स की बात कर रहे हैं,
सर्विसेज पे टैक्स की बात है, सारे टैक्सेस मौजूद है, लेते क्यों नहीं है, जमा क्यों नहीं होता? लेकिन मसला ये है कि इस वक्त एक अथॉरिटी है, जैसे मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, एक एसआरबी की अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी है, तो कलेक्ट कर रही है सिर्फ सर्विसेज पे, WWF, WPPA, ये भी कलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी पे टैक्स ये भी कलेक्ट, लिटिगेशन में गए हैं ना वैसे भी WPPA से, ये भी कलेक्ट करना है, साइन बोर्ड टू दैट ये भी, लेकिन इन सबकी अथॉरिटी इन्होंने अलग अलग कर दी। जब तक आप चीजों को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे और डिजिटाइज नहीं करेंगे, कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, तो तब तक आपको एक्चुअल नंबर्स पता ही नहीं चलेंगे कि आप कलेक्ट किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, जब ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना था तो इन्होंने पहले साल जो है वो मेरे ख्याल से 20 बिलियन या 30 बिलियन कलेक्ट किया, फिर 40 और 50 बिलियन, अभी 100 बिलियन को क्रॉस कर गए। पंजाब गवर्नमेंट 206 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करती है और 208 अरब रुपए पेंशन देती है। कितनी देती है? 208 अरब रुपए पेंशन देती है। तो अब मुझे एक बात बताए ना कि, और सुबह शाम लड़ते रहते हैं, हमें 57.5% है। अच्छा नाजिर, इसमें जो मेरे दोस्तों ने कंक्लूजन यही दिया है कि बहुत बड़ा टारगेट है, रिशान ने तो कह दिया कि भूल जाओ, खुरम बात कर रहे हैं कि किस तरह बैलेंस से लेकर करते हैं, यही बात कर रहे हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन ये कि ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी, एक वेस्टेज को रोक लें, और ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आ सकता है अगर ऐसे टैक्सेस लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टैक्सेशन।